कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने साल नौ पर खातून का हाथ झटकने पर माफी मांगते हुए कहा कि इन्हें बाजू से खींचे जाने पर गुस्सा आ गया था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने एक तकरीब के दौरान खातून का हाथ झटकने पर माफी मांग ली। सालिनो की तकरीर का मौजू खवातीन पर तशद्दुद का खात्मा था, जिस पर पोप फ्रांसिस ने खातून का हाथ झटकने पर माजरत करते हुए एतराफ किया है कि इन्हें बाजू से खींचे जाने पर गुस्सा आ गया था। La pazienza dell'amore. L'amore ci fa paziente. E tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में मुनक्किद की गई तकरीब के मौके पर सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जमा होने वाले अफराद से मुसाफा कर रहे थे कि इस दौरान एक खातून ने इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इस अमल पर पोप फ्रांसिस ने इंतहाई नाराजगी का इजहार करते हुए खातून का हाथ झटक दिया, इसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए वहाँ से रवाना हो गए। पोप फ्रांसिस से खातून की बदतमीजी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद जहां खातून पर तनकीद की गई, वहां पोप के रद्द अमल पर भी सवालात उठाए गए।